नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में एक जबरदस्त मोहिनी प्रयोग दे रहा हूँ। इस उपाय से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। यह एक ऐसा उपाय है, कठोर से कठोर दिल, घमंडी से घमंडी व्यक्ति भी आपके प्यार में पागल हो जाएंगे। मित्रों, यह मोहिनी उपाय आप अपने घर में बैठकर कर सकते हैं या अपने घर से बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उपाय करते समय कोई टोक टाक न करें। ऐसा जगह का आप चुनाव करें ताकि आपको कोई टोक टाक न करे। टोक टाक हो जाने के बाद यह विफल हो जाता है, तो ऐसे जगह का चुनाव करें, चाहे घर हो चाहे बाहर। अब मित्रों, इस उपाय को अमावस्या के दिन करना होगा। दिन कोई भी हो, अगर आप अमावस्या मालूम कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी विद्वान पंडित से पूछ लें कि अमावस्या कब आता है। तो मित्रों, जब यह उपाय करना हो, चाहे आप दिन में करें चाहे रात्रि में करें, तो उपाय करने से पहले आप स्नान कर लें, साफ सुथरा कपड़ा पहन लें। और मित्रों, जहां भी करना हो, पूरब दिशा खड़ा होना है, खड़े होकर यह उपाय करना है। तो साथियों, जब आप उपाय के लिए खड़े हो गए, तो सबसे पहले अपना दाहिना हाथ को अपने मस्तक पर रखें, और जब तक रखना है मित्रों, उपाय जब तक समाप्त न हो तब तक यह दाहिना हथेली मस्तक पर रहना चाहिए। अब रखने के बाद मित्रों, उस व्यक्ति का ध्यान करें जिस व्यक्ति को आप अपने बस में करना चाहते हैं, जिसे अपने प्यार में तड़पाना चाहते हैं, उसका ध्यान करें। जब तक ध्यान रखें, जब तक उपाय खत्म न हो जाए। मित्रों, यह उपाय 6-7 मिनट का है और खड़े होकर ही करना है। अब मित्रों, एक छोटा सा शब्द कहिए या मंत्र कहिए, उसको 51 बार बोलना है। तो अब आप कहेंगे कि हम खड़े खड़े, एक हाथ तो सर पर है, कैसे गिनती करेंगे? तो मित्रों, माचिस का तिल्ली आप ले लीजिएगा, माचिस का ऐसा तिल्ली 51 पीस ले लीजिएगा, 51 पीस, और लेकर अपने बाएं हाथ में रखिएगा, एक मंत्र पढ़िएगा और एक को नीचे गिराते रहिएगा, इस तरह आप सफल बन जाएंगे। अब मित्रों, ऐसे हथेली रखने के बाद वह शब्द कौन सा बोलना है, स्क्रीन पर भी देख लें। जहां नाम आएगा लिखा हुआ है, वहां उस व्यक्ति का नाम को बोलना है। तो शब्द सुने, ओम सर्व देवी सर्व देवाय। अब उस व्यक्ति का नाम, अब नाम के बाद में बस कुरु कुरु स्वाहा, बस यही छोटा सा मंत्र कहिए या शब्द, 51 बार बोलना है। और जब तक बोलेंगे तब तक उस व्यक्ति को ध्यान में रखें और मस्तक पर हथेली रहना चाहिए, यह हटना नहीं चाहिए, और बिल्कुल ध्यान में होकर ही इस उपाय को करना है। तो मित्रों, अब देखेंगे जिस व्यक्ति के लिए इस उपाय को किए हैं, वह व्यक्ति
आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगा, चाहे वह व्यक्ति घमंडी से घमंडी क्यों न हो, पत्थर दिल वाले क्यों न हो, या एक ऐसा मोहनी उपाय है मित्रों। तो साथियों, आप घर बैठे किसी को भी अपने प्यार में नाच नचा सकते हैं, ऐसा यह उपाय है। तो साथियों, अगर एक बार में असर कम दिखता है तो अगले हफ्ता कर लें, उससे भी तेज करना है तो तीसरे हफ्ते यानी 3 बार इस उपाय को कर लें, फिर देखें वह व्यक्ति आपके प्यार में पागल हो जाएगा, मिलने के लिए तड़प उठेगा। लेकिन मित्रों, एक बात का ध्यान रहे, किसी को तंग और परेशान करने के लिए भूल कर भी न करें। इस प्रयोग को वही करें जब आपको जीवन साथी बनाना हो। अगर गलत प्रयोग करेंगे तो सीधा इसका प्रभाव उल्टा देखने को मिलता है। तो यह एक जबरदस्त, किसी का भी दिल को जीतने वाला है। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।